अगला सूत्र हम लोग देखते हैं, उसका नाम है हारे रुद्र मरण। देखिए इसमें एक धातु कार्य कर रहा, वो धातु का नाम है क्या? धी। कौन सा धातु है? धी। इसका मतलब होता है कर्ज लेना या उधार लेना। एक और होता है धारण करना। ये धृ धातु है, इसका अर्थ क्या होता है? कर्ज या उधार लेना या धारण करना। अब कहते हैं कि ये इस सूत्र से आता है। जैसे हमने कहा, लिखो जिससे उधार लिया जाए, जिससे उधार लिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्त होती है। उसमें चतुर्थी विभक्त होती है। जैसे लिखिए देवदत्त राम का, देवदत्त राम का 100 रुपया धारता है या लेता है। अब बताइए यहाँ पे कह रहे कि जिससे उधार लिया जाए, देवदत्त किससे उधार ले रहा है? राम में कौन सी विभक्ति? किस सूत्र से राम रामाय हो गया? किस सूत्र से राम रामाय हो जाएंगे? धारे रुत मरण। इसमें एक धातु काम करता है, वो धातु कौन सा है? धृ धातु है। धृ का मतलब क्या कर दिया? उधार लेना या तो धारण करना। तो क्या हो जाएगा, संस्कृत क्या बनेगा, इसका अनुवाद क्या बनेगा? धारे रुत मरण, देवदत्त रामाय कितने रुपए लेने की बात? शतम रुपये का आड़ी, रुपये क्या आंदू? शतम रुपये का आनी धारियत। अगला सूत्र लिखिए वेरी वेरी मोस्ट है ये, द्रुत द्रुहे ईश्वर्य। और ये इसमें कितने कितने धातुएं पहले हो रही है? द्रुत है, द्रुह है, अभी पूरा नहीं लिखे हैं। अलग से पहले करा लिख लो, तब इसमें समझ में आएगा। क्रुद्ध मिलेगा, ध्रुव मिलेगा, ईश्वर्य मिलेगा और असूय मिलेगा। इन चारों का अर्थ लिख लो, तब उसमें आप लोग समझ पाएंगे। इसके आगे लिखना जिस पर क्रोध किया जाए।
ये द्रोह है, द्रोह करना। अब समझ में आएगा यहाँ देखिए, क्रुद्ध ध्रुवे शरे सूर्य थाना, क्रुद्ध ध्रुव ईश्वर्य असूय, कितने धातुओं का बात कर रहे हैं, चार धातुएं हैं। कहते हैं उपपद विभक्ति माने क्या होता है, उपपद विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है, पीछे भागो भागो पीछे आप लोग। उपपद विभक्ति का मतलब कि हाँ एक विशेष शब्द होगा, उस विशेष शब्द के नाते वह जिस विभक्ति में प्रयोग होता है उसी विभक्ति का चिन्ह वहां पे प्रयोग होगा, उसी विभक्ति का रूप उसमें प्रयोग किया जाएगा और कोई दूसरा रूप उसमें प्रयोग नहीं होगा। मंजू समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या ईश्वर्य है, देखिए इसको पढ़ा जाता है ईर्ष्या, लिखा कैसे जाता है, क्या बोलेंगे मंजू इसे, हाँ क्योंकि ये उड़ा किससे उड़ रहा है, ई से उड़ रहा है, ईर्ष्या पढ़ा जाएगा, हाँ ईर्ष्या है बाद जिसे इसमें स्वर नहीं, इसीलिए इसके ऊपर नहीं बैठा, भाग्या किसके ऊपर, क्योंकि इनके बराबर ये है, इसमें भी स्वर नहीं है और इसमें भी स्वर नहीं है, इसीलिए ये भाग्य किसके ऊपर, स्वर वाले के ऊपर। अब कहते हैं कि ये चार धातुआ है और ये सूत्र होता है, कहते हैं कि किसी भी वाक्य में अगर क्रुद्ध मिल जाए, ध्रुव मिल जाए, ईर्ष्य मिल जाए और अश्व मिल जाए, तो आप लोग कान खोल करके या मूंद करके चाहे जैसे आप सोच लीजिएगा शब्दों का ये धातुओं का प्रयोग किस विभक्ति में होगा, कन्फर्म ये सूत्र जो होता है कहीं पर, जैसे देखिए पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, पिता, ये समझ में आ गया ना, मिटा दे इसको, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखिए जिस पर क्रोध किया जाए, जैसे हमने कह दिया पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, मंजू बताओ इस वाले वाक्य में कौन सी विभक्ति की बात हो रही है, है? मान लो क्रिया चिन्ह के हिसाब से हमको बताना है, इस वाले वाक्य में हमको क्रिया चिन्ह के हिसाब से बताना है, तारा आप बताओ कि कौन सी विभक्ति काम कर रही है, चतुर्थी विभक्ति, क्रिया चिन्ह के आधार पर आप बताओ कौन सी विभक्ति इसमें कार्य कर रही है, चतुर्थी, क्रिया चिन्ह के आधार पर आप बताओ, क्रिया चिन्ह के आधार पर आप बताओ, क्रिया चिन्ह के आधार पर आप बताओ, है क्या, कौन सा काम, कैसे, हाँ क्योंकि मैं पर होता है किसका। अब देखो थोड़ा सा इसमें कैसे काम करेगा सप्तमी विभक्ति, पिता का क्रोधित होने का आधार कौन है, पुत्र पर क्रोधित कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि क्रोध वाला ये क्रोधित मिल गया आपको, ये उपपद विभक्ति है, यहाँ पे ये कुछ दूसरा बात कह रहा है, लेकिन आपको ये चीज छोड़ करके समझना किसको है, इस क्रोध को समझना है कि ये क्रोध मिलता हमको कहाँ है, ये क्रोध हमको कौन सी विभक्ति में मिलता है, चतुर्थी विभक्ति में मिलता है, इसका स्पेशल प्रयोग किस विभक्ति में होता है, चतुर्थी में होता है, इसलिए ये सप्तमी विभक्ति को हमको बनाना है किस में, चतुर्थी विभक्ति में बनाना होगा, और हमने एक चीज कहा कि जिस पर क्रोध किया जाए, किस पे क्रोध पिता कर रहा है, तो पुत्र में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी हो जाएगी, तो पिता फिर क्रुद्धयति हो गए, मतलब कि आप अगर समझ गए अर्थ समझ गए तो आप तुरंत कर ले जाएंगे जिसका जिसका जो भी प्रयोग, पिता पुत्र आए
प्रत्ययाति। एक और लिखिए, क्रुध्यति। हाँ देखिए, असुर असुर देवों से ईर्ष्य कामद्वेष कामद्रोह करते हैं। असुर देवों से ईर्ष्य द्वेष द्रोह करते हैं, करते हैं, करते हैं। अब आप लोग इस बनाना है इसका, आप लोगों को क्या अनुवाद बना दीजिए फटाक से। है क्या बोले हैं? असुर देवों देव पर देव से द्रोह कामा ईर्ष्य कामा द्वेष दिखाई दे रहा है, कामा द्वेष करते हैं। अब मैं समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे आपकी क्रिया का है, इसका मतलब एक वचन बहुवचन, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? तो ये देख लीजिए, असुर के लास्ट में कौन सा वर्ण है, कौन सा स्वर है, तो इसका रूप किसकी तरह? असुर असुरो असुरा है। तो एक असुर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे असुर की बात हो रही है, क्या हो जाएगा तब? असुरा है। अब आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं कि देवों से, देव से नहीं, देवों से, हाँ क्या हो जाएगा? देवेभ्य हो जाएगा, सुना देवेभ्य, देवेभ्य है। अब आगे देखिए, जब ये भाई साहब बहुवचन हो गए तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन ही होगा, और ये कभी भी एक वचन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि असुरा है, ये असुर एक नहीं है, बहुत सारे असुर है जो किससे द्रोह करते हैं? देवेभ्य, सभी देवों से, जितने भी देव होते हैं। तो यहाँ पे अब एक एक का द्रोहयंती, हाँ अशुयंती, ईश्वरयंती, ईर्ष्यंती, अगला सूत्र सूत्र याद नहीं करो, केवल केवल इसमें आपको इन शब्दों को याद करना होगा। ये सूत्र आपको आयोग के द्वारा मिलेंगे, आई बात समझ में? जो अगला हमने सूत्र लिखाया है, उस सूत्र में कौन कौन से आपके धातुएं थी, कौन कौन सी धातुएं थी? क्रुद्ध था, द्रुह था, ईर्ष्य था और असूय था। इन धातुओं का प्रयोग अगर किसी भी वाक्य में होता है, तो अगर आयोग पूछता है कि किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो ये सूत्र आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आपको ये जानना होगा कि ये धातुएं किस सूत्र में प्रयोग की जाती है, तो उसका नाम है। अब यहाँ पे अगर आप केवल कह दिया, एक बात आपको मिल गया, किसको नमः? अगर हमने कहा मतलब की समझिए,
इस नमः का प्रयोग आपको कौन सी विभक्ति में मिलेगा? चतुर्थी विभक्ति में मिलेगा। कहने का मतलब जो भी शब्द होगा उस वाले शब्द में आपको कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? चतुर्थी। गणेश को जब तक गणेशाय नहीं करेंगे तब तक ये चतुर्थी विभक्ति में भागेंगे नहीं, क्योंकि नमः का प्रयोग होता किस में है? अगर उन्होंने कहा कि ये किस सूत्र से आया, आपको लिखना नहीं है ये सूत्र, आपको आप लिखा लिखाया मिलेगा, बना बनाया आप लोगों को मिलेगा, बस अंतिम खाली जानना इतना है कि गणेशाय और ईश्वराय आया कैसे। आपको अगर रूप पता है कि ईश्वराय बालकाय है गणेशाय, तो सबसे पहले लिखिए नमः। नमः माने नमस्कार करना, एक एक शब्द का पहले अर्थ लिखिए। नमः माने नमस्कार करना। दूसरा है स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब कल्याण। अगला है स्वाहा। स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा देवताओं को दी जाने वाली आहुति, स्वाहा। देवताओं को दी जाने वाली आहुति फिर श्रद्धा आहुति, फिर श्रद्धा पूर्वजों को दी जाने वाली आहुति, श्रद्धा पूर्वजों को दी जाने वाली आहुति, फिर उसके बाद अलम है समर्थ या पर्याप्त अर्थ में, समर्थ या पर्याप्त अर्थ में, हाँ अलम है अलम माने पर्याप्त अर्थ में। एक है वशट देवताओं के लिए भेंट, हाँ अलम का होता है समर्थ या पर्याप्त अर्थ या काफी। वशट देवताओं के लिए भेंट, इस वाले कह रहे थे नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशत योगाचर, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले नमः का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है? नमः का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि अगर किसी को हम नमस्कार करने की बात कर रहे हैं तो उसमें जब तक चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाएंगे तब तक वो वाक्य आपका निश्चित रूप से सही नहीं होगा। कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है? नमः। तो आप ईश्वर को अगर नमन करना चाहते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं, या किसी भी व्यक्ति को नमस्कार करना चाहते हैं, जब तक उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाएंगे संस्कृत में तब तक वो सही नहीं होगा। इसीलिए पहले का लिखिए ईश्वराय नमः, माने ईश्वर को नमस्कार। दूसरा गणेशाय नमः, तो किसको नमस्कार? गणेश जी को नमस्कार। दूसरा लिखिए स्वस्ति, ये नमः वाला हो गया, स्वस्ति वाला लिखिए। छात्रों का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो, तो एक छात्र का कल्याण हो कि सभी छात्रों का, क्या हो जाएगा? छात्रेभ्य होगा, क्योंकि एक छात्र की बात नहीं होगा, होगा तो चतुर्थी विभक्त, लेकिन चतुर्थी विभक्त का ये बहुवचन जाएगा छात्रेभ्य स्वस्ति, तो छात्रों का कल्याण हो। छात्रेभ्य स्वस्ति, इसके बाद स्वाहा है ना,
मान लो इंद्र को हम लोग जो है कि आहुत का दान दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इंद्राय स्वाहा, या हो गया ना, इंद्र को दे रहे हैं। गणेश जी को तो गणेशाय स्वाहा। कहने का मतलब ये है कि चाहे नमः आ जाए, चाहे स्वस्ति आ जाए, चाहे स्वधा आ जाए, इन सब शब्दों का प्रयोग जब भी आप संस्कृत में करेंगे तो आपको सीधे सीधे उस किस कौन सी विभक्ति में करना होगा? चतुर्थी विभक्ति में। आई बात समझ में? लेकिन शर्त ये है, उस समय जब वो वाक्य लिखा जाए एक वचन का है तो एक वचन का रूप लगेगा, अगर वो दो वचन का होगा तो दो वचन वाला रूप लगेगा, अगर वो बहुवचन का है तो बहुवचन का रूप लगेगा। भाई शब्द को तो हम समझेंगे ना। अगर हमने कहा दो इंद्र को स्वाहा, हाँ अच्छा मान लो हमने कहा दो गणेश को स्वाहा, अगर हमने कहा बहुत सारे गणेश को स्वाहा, तो गणेश समय क्या है, चलाओ ना गाना, गणेश आए गणेशा भ्याम गणेश 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 गणेश, तो आप उसी में बैठा दो। इंद्र दम क्या है, आगे चलिए अगला लिखिए, पितरों को हवि का दान, पितरों को हवि का दान, वही जो हम लोग पता है पूर्वजों के लिए पितृ करते हैं, नहीं पितृ विसर्जन ये सब पिंड दान नहीं करते, तो उसी को क्या बोला जाता है, हमने सब लिखाया है श्रद्धा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, श्रद्धा। तो हमने कहा पितरों को हवि का दान, तो क्या हो जाएगा, पिता शब्द का चतुर्थी बहुवचन पितृभ्यः स्वधा, हमने कह दिया। अगला है वसक है ना, क्या है अलम, अलम लिखाएंगे, लिखो राम, राम रावण के लिए, राम रावण के लिए काफी है या पर्याप्त है या समर्थ है, आई बात समझ में? अब देख लीजिए कि कौन किसके लिए समर्थ है, है ना, राम है रावणाय अलम, राम है रावणाय अलम। हमने कहा कृष्ण अर्जुन, अर्जुन कृष्ण के लिए काफी है, आई बात समझ में? हमने कहा मंजू बालक के लिए काफी है, पर्याप्त है, क्या हो जाएगा, मंजू बालक के लिए पर्याप्त है या काफी है, क्या हो जाएगा? हमने कहा प्रांजल बालक के लिए काफी है, बोलो क्या बनेगा, बालकाय अलम। लेकिन सब ये समझिएगा कि इसी अलम का प्रयोग जब तृतीय विभक्त में होगा तो वहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है बस करो मत करो। हाँ बताएं कि नहीं, अलम को लाहलेन नहीं है, लिख लो इसी अलम का, जब इसका इस अलम का प्रयोग कौन सी विभक्ति में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा, तो इसका अर्थ निकलेगा मत करो या बस, मत करो या काम बस। इसका अर्थ हो जाएगा इस अलम का तृतीय विभक्ति में मत करो या बस करो, हमने कहा शोर मत करो, का शोर मत, क्या हो जाएगा, अलम कोलाहलेन, क्या हो जाएगा,
अलम कोलाहल कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अगर इसी कोलाहल का प्रयोग चतुर्थी विभक्त में हो जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाता है, क्या हो जाएगा? काफी पर्याप्त मात्रा में समर्थ में, समझ गए? हाँ पर्याप्त एकदम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मत करो, बस करो। तो ये देखिए, ये अलम जब कोलाहलेन कर देंगे, कोलाहलेन बालकेन, आपको रूप याद है तो आप रूप से ही पकड़ लेंगे कि ये शब्द किसकी बात कर रहा है। आई बात समझ में? शब्द अगर नहीं पता है, यहाँ पे राम है रावणाय अलम, चतुर्थी विभक्त कार्य किया राम राय, तो राम रावण के लिए काफी लिख लो ना। हाँ तो क्या हुआ, लिख लो ना, नोट करके वही कहीं नींद सामने ही लिख लो, काम दे, जब पढ़ोगे तो काम देगा ही। अगला सूत्र लिखें, इस पर है रिक्षित हो गया अपन, वसत अभी बचा है, लिखो वसत, लिख लो। लिखिए इंद्र, इंद्र को हवि, हवि का दान, सुधा हो गया ना, बसट लिखो। बसट का मतलब क्या, बसट वाला लिखा है उन्हें कि देवताओं के लिए भेंट या हवि, वही उसी में होता है कि उसका दान भी दिया जाता है उसमें भी। हाँ, और जब आप भेंट करिए या इनका हवि का दान करेंगे, किसका, इंद्र का या देवताओं के लिए, तब वसट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इंद्राय वसट, इंद्राय वसट किसके लिए यहाँ पे दान देने की बात की जा रही है? हाँ, इंद्र को हवि का दान, बस। अब अगला विभक्त लिखिए, पंचमी विभक्त, देखिए पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति कारक कौन सा है? हाँ, कारक है अपार। चिन्ह क्या है इसका? से अल। लिखिए इसके बारे में पहला सूत्र, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, पर रूप हो जाता है ये, अ तो पढ़ा जाएगा लेकिन इसका पूर्ण रूप हो जाता है। जब आपको संधि में पढ़ाऊंगा, मैं पूर्ण रूप और पर रूप संधि जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्यों ऐसा हो जाता है। ध्रुव पाए अपा दान, ध्रुव माने ध्रुव, ध्रुव तारा होता है, कहाँ होता है? आसमान में होता है। किधर होता है, निश्चित है कि नहीं? इधर उधर भटकता है क्या? निश्चित है ना। कह रहे कि ध्रुवम पाए अपादानम, मतलब कि कोई निश्चित पदार्थ से जब कोई चीज अलग होता है, ध्रुवम पाए, ध्रुव माने किसी निश्चित पदार्थ से जब कोई वस्तु
अलग हो जाता है तो उसमें कौन सा कारक काम करता है, अपादान कारक कार्य करता है, कौन सी विभक्ति कार्य करती है, पंचमी विभक्ति कार्य करती है। तो लिखिए पृथक होने के योग में, लिखो पृथक होने के योग में, पृथक होने के योग में अर्थात अलग होने में जो पदार्थ स्थिर हो, अर्थात अलग होने में जो पदार्थ स्थिर हो, ध्यान मतलब समझिएगा, कह रहे हैं कि अलग होने के लिए अर्थ या योग में, अर्थात क्या लिखाए हैं, जो पदार्थ स्थिर हो। कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु अलग हो, लेकिन शर्त यह है वो पदार्थ क्या हो, स्थिर हो। हमने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताइए पत्ता कहाँ से गिर रहा है, पेड़ स्थिर है क्या है? हमने कहा बालक भवन से उतरता है, बालक भवन से उतरता है, स्थिर पदार्थ कौन, हमने कहा माता कुएं से जल लाती है, मिल रहा है कि नहीं शब्द आपको, कह रहे हैं कि ध्रुवम पायव, निश्चित रूप से कोई पदार्थ होगा जो निश्चित होगा, जब वहां से अलगाव पाया जाएगा तभी पंचमी विभक्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये तो हर वक्त आपको मिला है, वह कोई चाहे हिंदी पढ़ाओ चाहे संस्कृत पढ़ाओ ये मिलता रहता है, हाँ दोनों में चाहे जो आप पहले तो लिखिए अलग अर्थात अलग होने में तो उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्त होती है। उसमें अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्त होती है। अब बताइए जो ये पत्ता गिरने की बात कर रहे हैं किससे गिर रहा है, पेड़ से, तो बताइए स्थिर पदार्थ कौन, पेड़ हुआ, तो पेड़ में कौन सी विभक्ति लगा दो, फिर लगा दो, मना कहाँ कर रहे हैं, क्या क्या बनेगा संस्कृत में अनुवाद, हाँ पत्ते गिरते हैं, पत्ता अगर हमने कहा वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतति, देखिए फर्क हो गया, अगर पत्ते कहेंगे तो पत्राणि हो गया, पतंति हो गया। अगला लिखिए माता कुएं से जल लाती है, माता लाने का आनियत होता है, क्या होता है आनियत, माता उपात जलम। अगर आप अच्छे से समझ गए कि कौन में किसकी विभक्ति लगेगी तो आप तुरंत आप लोग जान जाएंगे कि बस यही प्रयोग किया। एक और लिखिए देखिए छात्र विद्यालय से आते हैं, छात्र विद्यालय से आते हैं,
सेंटेंस को अगर आप लोग अच्छे से पकड़ना जान जाएंगे तो तुरंत अनुवाद कर ले जाएंगे, गारंटी मेरी है। यहाँ पे आपको पता है इसमें पंचमी विभक्त तो काम करेगी, पक्का करेगी। क्यों करेगी? विद्यालय से छात्र का लगाव हो रहा, एकदम सही बात है। कोई स्थिर पदार्थ कौन हुआ? विद्यालय हो गया। हाँ कौन रहा है? लेकिन शर्त ये है कि यहाँ क्या है, क्या है, बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, एक छात्र आने की बात नहीं हो रही है। ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? छात्राह हो जाएंगे। छात्राह विद्यालयात बोलिए क्या होगा? आते हैं। आते हैं आयंती आगन आगन ऐसे कुछ है तो हम पकड़ तो रहे हो आप लोग, हम समझते हैं। खाली आप लोग कुछ छोड़ दे रहे, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छति माने जाना आना आगच्छन्ति क्या हो जाएगा? आगच्छन्ति आते ये तो हुआ कि निश्चित है, निश्चित ना स्थिर पदार्थ। अगला सूत्र लिखिए, अपादाने पंचमी। अपादाने अपादाने क्या है लिखो थोड़ा सा इसमें। अपादान कारक की पंचमी विभक्त होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्त होती है, जैसे लिखिए यह गांव से आता है। थोड़ा टेढ़ा है, यह गांव से आता है। यह गांव से आता है। क्या हो जाएगा? सहमाने वह सा नहीं सा माने भी वह होता है। ये पुलिंग है और ये नहीं स्त्री लिंग के लिए, इधर नपुंसक लिंग के लिए और अयम पुलिंग के लिए। अयम किसके लिए बोलना पड़ेगा, मैंने बताया था कभी स्टार्टिंग आयम इयम इधर तीनों चीज बताया था। आयम का प्रयोग पुलिंग के लिए होता है, इयम का प्रयोग मंजू के लिए होता है और फल के लिए इदम का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है हमने क्या कहा, यह गांव से आता है। आयम आयम आगे ग्रामात आता है आगच्छति। केड़ा था ना थोड़ा सा फैन नहीं था आप लोग, आयम की वो तो क्या कहते हैं उसको संस्कृत नहीं बता पाए, कष्टदायी हो गया। अगला सूत्र लिखिए, भित्रा अर्थानाम भय हेतु। भित्रा अर्थानाम अगला अगला सर,
आते आता है ना भाई, आगच्छति होगा ना, अकेले ही आता है, 50 लोगों के साथ लेके थोड़ी जाता है। मित्रार्थम भय हेतु यहाँ पे दो धातुएं काम कर रही हैं। कौन कौन सी? एक है भी माने डर, और एक है प्रय, प्रय माने रक्षा, प्रय माने रक्षा। इसके आगे लिखो जिससे डरा जाए, इसमें लिखो जिससे डरा जाए, और इसमें लिखिए जिससे रक्षा की जाए। ये क्यों लिखवाता हूं पता है? क्या पकड़ लिया? कौन से शब्द में लगाना है? हाँ, क्या बात है, मतलब कह रहे हैं कि अगर कहीं डरने की बात आ जाए, कहने का मतलब ये, अगर कहीं पे डरने की बात आ जाए तो वो जो कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगा, कोई भी होगा, जिससे डरेगा उसमें पंचमी विभक्त लगाना है और किसी में नहीं। जिससे रक्षा किया जाएगा उसमें पंचमी विभक्त का प्रयोग होगा और किसी भी विभक्त में, और किसी भी शब्द में नहीं प्रयोग किया जाएगा। और भी और त्रय जो धातुएं हैं इनका किस, देखिए भय हेतु, हेतु माने के लिए, हाँ, इनका प्रयोग किस विभक्ति में? लिखो भय और रक्षा के अर्थ वाली धातु, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ, भय और रक्षा के कारण पंचमी विभक्त होती है। ये अक्सर पूछ लेता है, तो थोड़ा समझ बूझ के आप लोग काम बनाइएगा। धातुओं के साथ सेंटेंस बोलो जी। देखिए राम असुरों से रक्षा करते हैं, राम असुरों से नहीं, राम असुर से रक्षा करते हैं, राम असुर से रक्षा करते हैं, राम असुर से रक्षा करते हैं। अब बताइए जिससे रक्षा की जाए, किससे राम रक्षा करने की बात कर रहे हैं? तो पंचमी विभक्त किस में? असुर। तो क्या हो जाएगा? असुर, असुरात हो जाएंगे। राम है असुरात, है प्रयंति का है त्रायते, आई बात समझ में? अगला लिखो सिंह से डरा हुआ मृग भाग गया, सिंह से डरा हुआ मृग भाग गया। सिंह से डरा हुआ मृग का हुआ भाग गया, किससे डरा भाई? सिंह से। सिंह में क्या? सिंहात हो जाएगा, सिंहात भीत है, सिंहात भीत है मृग है अधावत, सिंहात भीत है मृग अधावत, सिंह से डरा हुआ मृग